आप देख रहे हैं एवरी इंडिया न्यूज और मैं हूं निशा श्रीनिवास आपके साथ। कपिल नगर क्षेत्र में एक कबाड़ी पर दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जख्मी शकील अहमद समीर अहमद उम्र 38 साल कामगर नगर निवासी बताया जा रहा है। यह घटना रविवार को रात करीब 10 बजे कामगर नगर चौक में हुई। घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस परिमंडल क्रमांक 5 के प्रभारी उपायुक्त सारंग आवार कपिल नगर के थानेदार अमोल देशमुख सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। आइए देखते हैं न्यूज की खास रिपोर्ट। घायल शकील को मेयो अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि गोली शेख शकील के गर्दन को छूकर निकली है या अंदर फंसी है। देर रात तक कुछ स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। पुरानी दुश्मनी के चलते घटना को अंजाम देने की बात हो रही है। घटना को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। कामगार नगर चौक में जहां पर घटना हुई वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी ताकि घटना के बारे में पता चल सके। घटना की जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। शेख शकील पर किसने और क्यों फायरिंग की इस बारे में छानबीन शुरू थी। उत्तर नागपुर में कबाड़ का मकरजाल फैला है। कामगार नगर में उपलवाड़ी पावर हाउस की और जाने वाली सड़क पर कबाड़ का कारखाना है। यहां पर वाहनों की कटाई होती रहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस यहां पर कभी दबिश देते नहीं दिखी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शकील अहमद रविवार को रात में घर जा रहा था। वह जैसे ही कामगार नगर चौक में पहुंचा, पीछे से बाइक पर आए दो नकाबपोश हमलावरों ने पीछे की सीट पर बैठे नकाबपोश ने शकील अहमद पर फायरिंग कर दी। देर रात में अस्पताल में उसका उपचार शुरू था। कपिल नगर हद्दीमध्ये कामगार नगर एरिया आहे। तिथे काल रात्री पावणेदहाच्या दरम्यान शकील अहमद शगीर अहमद एक 35 वर्षाचा इसम आहे तिथे राहणारा। तो आयपीएलची मॅच बघून घरी जात असताना दोन अज्ञात इसम टू व्हीलरवरती आले आणि त्याच्या पाठीमागच्या आरोपीने त्यांना मानेच्या जवळ फायर केलं आणि तिथनं पळून गेले। त्यांनी संशयितांचं नाव आणि एफ आय आर आमच्याकडे आहे दिलेली। आम्ही आरोपींचा शोध घेत आहोत। त्यांच्यावर फायरिंग झालं। त्यांच्यावरती यापूर्वीचा एक गुन्हा आहे जनावर चोरीचा, चोरीचा नाही जनावर ट्रान्सपोर्ट करण्याचा, आणि एक गुन्हा आहे हत्यार कायद्याचा। हा आरोपी आमच्या संशयावरनं आमचा तपास चालू आहे। नाही अद्याप नाही, तपास चालू आहे त्याचा। अद्याप कोणाला अटक नाही। आमचा आणि क्राईम ब्रांचावर तपास चालू आहे। लवकरच आम्ही आरोपीपर्यंत पोहोचू। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।